कि आप सब खैरी से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। रिलैक्स लगाने जा रहे हैं जो पिछले साल लगाए थे हम लोगों ने, तो देखते हैं जी। तो आपको लगाते भी और दिखाते हैं। साफ कर रहा है जी, क्योंकि हमें कोई जगह ही नहीं मिल रही थी साफ़ करने के लिए, तो यहाँ पे बांध के आप साफ़ कर रहे हैं। और ये मैं और कुछ फ्लैक्स वगैरह लेके आया हूँ घर से, तो आप साफ कर। नीचे लाग रहे थे इसलिए ये पिन उतार के ठंडे नहीं तो आ रहा है, भेद भी ना हो ताकि फिर इसे साफ करूँगा जी। मैं अच्छी तरह फ्लैक्स को साफ करने लगा तो अब नहीं साफ कर रहा है जी। मैंने तो इसे कहा था हम धो लेते हैं, मतलब पानी से निकाल लेते हैं, साफ़ करने की ज़रूरत नहीं। तो ये कहते हैं नहीं, बड़े ही हैं तो इनकी माननी हमने। तो साफ़ करने के बाद मिलते हैं। तो और हमारा नाम भाइयों के लिखे हुए, ये मेरे वालिद साहब का नाम है, इसके ऊपर हम इसाले सवाब लिखेंगे। तो पिछले साल वो आए थे जी, इस साल नहीं, अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में जगह दे। और ये मेरे दादी माँ दादा, मतलब इसाले सवाब वालिद मोहतरम के, जो मतलब के वालिद मोहतरम के वालिदैन हैं, उनके लिए हमने बनवाया था। तो अब इसके ऊपर वालिद साहब के नाम के ऊपर लिखेंगे सारे सवाब। चलो जी, सारी साफ़ हो चुकी है, बिल्कुल साफ़। तो कोई मट्टी वगैरह नहीं, पहले मट्टी थी, अब मट्टी नहीं, मतलब बिट्स की हुई थी, तो साफ़ कर दिया। तो अब सीढ़ियाँ ढूंढते हैं, मिली नहीं। यहाँ पे सारे सवाब लिखते हैं अभी मार्कल से, लगा रहा जी ऊपर चढ़ के। तो पिछले साल हमने यहाँ पे बांधी थी, इस तरह के पता आपको हमारी दुकान थी, तो अब हम इधर बांध देंगे ऊपर जी। हनी साथ उसके, तो रस्सी थोड़ी है पहले, तो बांधने के बाद मिलते हैं ना। हनी दिया जी, हनी ने अब दूसरी साइड वहाँ पे बांध देंगे। बांध दिया जी, अब दूसरी तरफ बांध देंगे। अब डबल रस्सी की है, पहले सिंगल रस्सी थी, टूट ना जाए। बाबाजी तो ऊपर जाके बांध रहा है, तो माशाल्लाह जी यहाँ पे बांध देंगे। आप देखते हैं कहाँ पे बांधते हैं। ये जो आपको किला सा नज़र आ रहा है, वो कह रहे हैं अभी भी लगाया है, तो तार बांध रहा जी। तो ये तारे रिकॉर्ड बांध रही हमारी ज़्यादातर। तो और भी फ्लैक्स और झंडे भी लगाएंगे, वो भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ रहिएगा। देखें जी बांध रहे हैं माशाल्लाह। जश्न ईद उल अज़हा नबी पे हम सब तमाम अहले इस्लाम को मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये मेरे वालिद साहब का नाम लिखा हुआ, मसूद अनवर बसरा। देखें जी फ्लैक्स लगा लिया जी हम लोगों ने माशाल्लाह। कमेंट में लिखते हैं आप लोग, तो आप लोगों ने सजावट की है नहीं वो भी बता दें। तो भाई बांध रहे हैं जी, पर दूर जो ऊपर लगे हुए थे चैपल के साथ, उसमें पत्थर वगैरह बांध के लगा रहा है, इसलिए ताकि उड़े ना फ्लैक्स। दोनों साइडों पे जी एक साइड पे और दोनों साइड, मतलब के दोनों साइडों पे हमने पत्थर छापरों में डाल के लटका दी ताकि उड़े ना। अंडा लगाने लगाऊँ जी छत पे, टैंकी वाली छत पे, तो लगाता हूँ और आपको दिखाता भी हूँ। बांधूँगा तो लगाने के बाद आपको मिल लूँगा जी। कोई कैमरा मैन बंदा नहीं है जो मेरी वीडियो बना सके। अंडा पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे बांधूँ, फिर मैंने कहा यहीं पे बांध देते हैं, ज़रा ऊंचा हवा से ज़रा लहराएगा जी। फ्लैक्स लगाने लगा तो आपको दिखाता हूँ कहाँ पे लगानी है। रस्सी लगी है इससे बांधेंगे, और अपनी है जाली में, जाली दोनों रस्सियाँ एक उधर बांध देंगे और एक इधर बांध देंगे, दरमियान में लटकेगा। तो बांधने के बाद आपको मिलते हैं, बांध रहे हैं वहाँ पर आप बांध देंगे, फिर अपनी तरफ बांधूँगा। तो माशाल्लाह जी बहुत प्यारा लग रहा है। तो कल दो ही फ्लैक्स लगाए थे, एक जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रही है, एक ये और जो एक गली के नुक्कर पे लगाए थी। तो अब दुकान के ऊपर लगाने जा रहे हैं फ्लैक्स और झंडा, तो दिखाएंगे आप। पर वो फ्लैक्स लगाई है जी, ये फ्लैक्स लगाई है। अब दुकान पे जा रहे हैं, दुकान के ऊपर देखते हैं कौन सी फ्लैक्स लगानी है और कौन सा झंडा। एक झंडा ये लगाया, और अब ये फ्लैक्स यहाँ पर नहीं लगाने का सोच रहा है। तो मैं कह रहा था इसके ये अपने नाम के नीचे लगा रहा था, मोहम्मद आतिफ आसिफ, पर वो कहता नहीं यहाँ पर लगा के देखते हैं। फ्लैक्स लगा रहा जी, तो वो थैलियाँ सामने पड़ी हैं, आप लोग सोच रहे होंगे मशहूरी कर रहे हैं, पर मशहूरी नहीं कर रहे, वही हमें मिली थी, तो वो इसलिए लगाएंगे ताकि उड़े ना ये। तो लगाने के बाद आपको मिलते हैं, मैं नहीं के साथ थोड़ी मदद करूँ अंदर यहाँ पे। गर्मियाँ कह रहा है बहुत तेज़ है, मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी आज, गर्मियों वाली जिस तरह जून जुलाई में गर्मी होती है, अक्टूबर और जून जुलाई वाली गर्मी है। और ये झंडा लगा हुआ है यहाँ पर लगाया माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा लग रहा है। इसके नीचे हम पत्थर बांध देंगे, तो नहीं सीधी है नहीं, टेढ़ी तो नहीं है माशाल्लाह। झंडा भी लगा दिया जी ऊपर, ये फ्लैक्स वो झंडा, और वो सामने भी एक झंडा लगाया माशाल्लाह जी। जैसा कि आपको दिखाया था हमने फ्लैक्स लगाई है, तो मैं घर चला गया था, तो मैंने शॉप खोल लिया आके,
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी लगाई है हमने, जो लगा रहे थे हम। ये लगाई है जी मैंने ऊपर चढ़कर, और ये नीचे मैंने जी क्लियर के पैकेट में बजरी भर के स्टेपल की है दोनों साइड में, ताकि उड़े ना हवा से ना, मतलब हिलजुल ना करे। तो माशाल्लाह देखें जी बहुत ही प्यारा लग रहा है। और वो सबसे ऊपर ना मैंने डोरी की मत से वो झंडा लगाया है, माशाल्लाह वो भी बहुत प्यारा लग रहा है। और एक यहाँ पे लगाया जी झंडा टेप के साथ, और बाकी वो गली के नुक्कर पे अपनी फ्लैक्स लगाई है। बड़ी नज़र आ रही है आपको, खान साहब से भी मैं छली लेके आया हूँ। ये पड़ी है जी छली, गर्म बनवा के लाया हूँ जी, ताज़ी मज़ेदार। तो मुझे याद नहीं रहा जी, उनके पास ना नींबू और चाट मसाला पड़ा हुआ था, मुझे याद नहीं रहा ऊपर डालना, उससे और मज़ा आना था। भाई शहर गए हैं तो आते हैं, फिर महफिल पे भी जाना है और नमाज भी पढ़नी है ईशा की। दिखाऊंगा जी मैं मस्जिद, मैंने कहा था कि आपको रात का भी मतलब सीन दिखाऊंगा कैसी लगती है मस्जिद लाइटिंग। सुबह इतनी प्यारी ला रही थी, तो अभी मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। अभी भाई हैं, खाना खा के लिए नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, नमाज पढ़ ली है तो मैं आपको लाइटें दिखाता हूँ। मैं बता रहा था जिसका माशाल्लाह कैमरा में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना रियल में लग रहा है। ये देखें इस तरह भी, वो देखें वो सामने जी टैंकी है पानी वाली, उसके ऊपर भी लाइटें लगी हुई हैं, बहुत ही प्यारा लग रहा है। महफिल ख़त्म हुई है जी, तो महफिल में मैं शाम ही नहीं हो पाया, लेट हो गया हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह नमाज मैंने पढ़ ली है, कितनी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अभी लाइटें आन नहीं है साइडों वाली, तो उससे ज़्यादा प्यारा लग रहा है। शॉप बंद करवाना जा रहा हूँ, तो ये देखें जी यहाँ पर भी इन्होंने झंडियाँ लगाई हैं, कितना प्यारा लग रहा है। तो तीनों दरवाज़ों के मतलब ऊपर लाइटिंग की गई है, तो आज को लोग यहीं पे एंड कर, दरवाजे पे भी लाइटिंग की गई है। तो उम्मीद है कि आज को लोग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।